एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्रिप ऑफ वेस्टर। और आज हम लोग का जो है वापस पुणे जाने वाला दिन है। अभी हम लोग हैं फिलहाल हरिहरेश्वर में और मैं आपको यहाँ से मॉर्निंग व्यू दिखा देती हूँ, जो हमारे रूम से यहाँ से कैसा नज़ारा दिखा। तो ऐसा है यहाँ का नज़ारा, नीचे है बीच और ऐसा है कुछ यहाँ का व्यू। धूप अभी बिल्कुल नहीं है तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं इसीलिए बीच पे। अभी सिर्फ मैं और विभू और मम्मी पापा और अनिकेत जो है वो ऑलरेडी जा भी चुके हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको माऊ से। हे रे माऊ, माऊ गुड मॉर्निंग। नहीं छोटा बच्चा नहीं, अभी माऊ जो है खेलने के मूड में है पूरे। तो हम अभी माऊ को भी लेके चलेंगे बीच पे। चलो माऊ बेटा बीच पे खेलेंगे। यहाँ नहीं खेलना गंदी जगह पे। यहाँ पे चींटियाँ नहीं पकड़नी, बड़ी चीज़ें पकड़ेंगे, केकड़े पकड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। और ये रही वीपू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारे साथ माऊ भी है। हमारे साथ माऊ भी है जिसने पूरा तंग किया हुआ है वीपू को। ये देखो माऊ ने कितना तंग कर रखा है। माऊ को जैसे ही कोई अनजान वो दिखता है ना परेशान हो जाती है पूरी। माऊ कुछ नहीं हो बेटा, कोई नहीं है, उसको गाड़ी, इसको कोई भी व्हीकल दिखता है ना ये ऐसी करती है, एकदम परेशान हो जाती है। हाँ इधर से चलते हैं। किसे डरी हुई है, घर में शेर रहती है बाहर भी ये बिल्ली बन जाती है। काफी लोग सुबह सुबह चले गए बीच पे से आ रहे हैं। यहाँ से जाने के लिए अब हमें ढूंढना पड़ेगा अपने लोगों कहाँ है। अच्छा वही खोद रहा है। हाँ उसने खोदा है, बहुत बहुत बड़ा क्रैप था वो। अभी वो अंदर चला गया, अभी यहीं पे था। ये तो छोटा है, वो तो इतना बड़ा क्रैब था। हाँ क्रैब है छोटे तुझे। माहू बोल रही है मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, एक आध क्रैब खा लूँगी मैं। और एक तीनों हैं वो चले ही जा रहे हैं। वो दूसरे बीच पे पहुँच जाएंगे चलते चलते, पूरा बीच क्रॉस कर दिया। ऐसा ना हो वो गलत लोगों और हम उनके पीछे चल रहे हो, पता चला बाद में पता चले अरे ये तो थे ही नहीं, हम तो किसी और के पीछे पीछे आ गए। नहीं हाइट डिफरेंस से मुझे अपने वाले ही लग रहे हैं। हाँ और ये मिल गए जी तीनों जो कि हरिहरेश्वर से चले थे और गोवा पहुंच चुके हैं चलते चलते, हम भी इनके पीछे पीछे आ गए हैं। ये भी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा जी। अरे नंगे पैर अभी थोड़ा और चल लेते तो आगे वहीं पहुंच जाते गोवा सीधा। इतना चलते चलते हम वहां से आ रहे हैं पीछे पीछे। अच्छा पार्टी ऐसे बन गई क्या, ग्रुप बन गए क्या? चलो अब हम आ गए टीम में। अब बोलिए अब हमारा फोटोग्राफर आ गया है, अब हम फोटो नहीं लेंगे दूसरे ग्रुप की कर लेंगे। मतलब ये इनको देखिए, इनके चेहरे को देखिए, इतना मस्त है, बहुत मस्त है। मतलब ये चेहरा, ये जो दो आप सामने इंसान देख रहे हैं। अब माऊ भी आ गया है तो माऊ आ गए हैं। हम भी तीन ही हैं। तीन कुछ भी हो माऊ आपकी फोटो नहीं ले सकती, उसके लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। गाय भी वॉक पे आई है सुबह सुबह। अरे भाई अरे ये क्या हो रहा है, दूर दूर तक टॉयलेट की जा रही है। उसने परिंदा भी मार दिया टॉयलेट से। वो तो छोटे मोटे क्रैब दबा देगी अपने टॉयलेट में। ये देखो केकड़ों ने भी ना पैटर्न बना रखे हैं, कैसे कैसे अलग 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 अलग।
हाँ, किसी ने पाम ट्री बना रखा है, किसी ने कुछ फूल बना रखा है। रात में इनका कंपटीशन होता होगा, ये भी सजाते होंगे सुंदर बनाया कि मैंने कितना सुंदर बनाया। ये सजाते होंगे अपना घर भी ऐसे जैसे इंसानों में होता है ना इस बीच से। चलो जी, बाय बाय बीच। Now it's time to leave this room. We are all packed. बाकी सब जा चुके हैं, सिर्फ मैं बची हूँ और इस रूम को करते हैं टाटा बाय बाय और इस जगह को निकलते हैं आगे। चलो जी, बस मैं और माऊ बचे हैं अब यहाँ पे। चलो जी बढ़े आगे। ख्याल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे ऐश करोगे साढ़े नाल। आगे अभी श्रीवर्धन बीच पे, यहाँ पे करेंगे हम ब्रेकफास्ट। कुछ खाना हम लेकर आए थे घर से और कुछ जो है अभी यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। यार ह्यूमिडिटी बहुत है अभी यहाँ पे। जी देखो, इस बीच की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये साइड में जो है ना ऐसे सीमेंटेड है, तो आपको यहाँ बैठना है यहाँ बैठ जाओ, बीच पे जाना है। वैसे इसका बीच का पानी यहीं तक आता है आगे तक। अभी मुलशी पे और मेरे पीछे अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है एक वैली जो कि मुलशी के रास्ते में पड़ती है यहाँ से, और यहीं से होती है देवकुंड वाटरफॉल की ट्रैकिंग। उसके लिए जो है दूसरा रास्ता है, लेकिन वो जो ट्रैक है वो यहीं से है। तो ये ऊपर से ये वैली दिखाई देती है, सिर्फ वाटरफॉल तो यहाँ से नहीं दिखता है, बट यहाँ से ये पूरा जो वैली है देवकुंड वाटरफॉल वाली वो दिखती है। पड़ता है जब आप मुलशी से आगे आ जाते हैं तामनी घाट की तरफ। घास खा लाती है फटाफट, घास तो खा रही थी ये भी। गाय थी ये पिछले जन्म में, घास खा जाती है फटाफट। और यहाँ पे सब फोटो शूट करते हुए एक एक करके सब लगे हुए हैं। वैसे ये पॉइंट है भी फोटो के, फोटोज के लिए, तो हमने भी ले लिए हैं। और हमारी माँ मौका देखते ही घास खाने लग जाती है। पोटैटो चिप्स, कोला, पुडिंग, पुडिंग। हमने भी जब ये खा था तो लड़ाई होगी लड़ाई कैमरे में कैप्चर हो गई, मम्मी पापा को डांटते हुए सब कैमरे में कैप्चर हो गया। मम्मी पापा को डांटने के बाद ऐसे एक्ट मत करो जैसे हमने कुछ नहीं किया। पकड़ ले माऊ, माऊ पकड़ ले, तेरा खाना हो जाएगा। मैं कह रही मैं केवल सी फूड खाती हूँ, मछली वगैरह। ये भाग रहे, डर रहे मैं इससे। तो हम लोग आए हैं अभी पैराडाइज होटल पे खाना खाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वेटिंग है क्योंकि बहुत भीड़ है। यहाँ का इस होटल का जो सबसे अच्छा मुझे लगता है ना वो है यहाँ का व्यू। यहाँ से दिखता है सनसेट, और बारिश में तो ये और भी सुंदर लगता है। डो नॉट सिट ऑन वॉल, 1000 रुपये फाइन है भाई। और ये हमारी माओ की तरह सो रही है। एक और माओ तो ये इस होटल से ऐसा व्यू है।
ये सामने जो है ये मुल्शी लेक ही है। चलो जी पार्टी के लिए भी यहाँ पे पार्टी वगैरह के लिए भी स्पेस अवेलेबल है। चलो अब चलते हैं, अब करते हैं अपना लंच। लंच क्या 4:30 हो चुके हैं टाइम, तो लंच प्लस डिनर सब कुछ हो गया इधर। चलो भाई ऑर्डर दे के आते हैं। हम लोग का खाना वगैरह हो गया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और टाइम भी हो चुका है 5:45। सामने आप देख सकते हो कि सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। जब तक हम पहुँचेंगे पुणे, यहाँ से हमें लगेगा अभी करीब 1 घंटा और, यहाँ से 26 किलोमीटर रह जाता है तो अभी 1 घंटा और लगेगा। यार मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी है कि कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले आते थे तो यहाँ पे खाने की क्वालिटी जो थी अच्छी होती थी, बट ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं जहाँ पे कोविड के बाद में खास कर भी रेस्टोरेंट की क्वालिटीज़ जो है ना वो बहुत गिर गई है। ऐसे एक दो रेस्टोरेंट मैंने पुणे में भी देखे हैं जहाँ पे हम लोग पहले बहुत जाते थे फिर बाद में गए तो कुछ खास रहा नहीं। ऐसे कुछ अभी एक्सपीरियंस हम लोग का यहाँ पे था, ठीक था खाना बट नॉट वेरी आउटस्टैंडिंग जैसा पहले हम लोग आते थे इतना खुशी खुशी। तो भी पेट पूजा तो हो गई है वैसे, पर अभी हमें लगता है फिर से घर पे जाके फिर से खाना पड़ेगा। हम रही इवनिंग वॉक पे निकले दोनों, क्लियर है